एक बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जोधपुर दौरा है। जोधपुर के सूरसागर में मंत्री मदन दिलावर, सूरसागर में पिछले दिनों हुआ था उपद्रव और उपद्रव के बाद मंत्री दिलावर का ये दौरा है। उपद्रव के बाद अब मंत्री भी पहुंच रहे हैं क्षेत्र में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जोधपुर दौरा है आज और जोधपुर के सूरसागर में मंत्री मदन दिलावर होंगे। पिछले दिनों यहां उपद्रव हुआ था जिसके बाद इनका ये दौरा रखा गया। उपद्रव के बाद अब मंत्री भी पहुंच रहे हैं क्षेत्र में। तो बड़ी खबर इस बीच जोधपुर के सूरसागर में मंत्री मदन दिलावर की उपस्थिति होगी और जोधपुर का ये दौरा है क्योंकि कुछ दिन पहले यहां पे उपद्रव हुआ था, दंगे हुए थे, लेकिन उसके बाद मंत्री मदन दिलावर का ये दौरा रखा गया है। उपद्रव के बाद मंत्री क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जोधपुर दौरा रखा गया है और इस जोधपुर दौरे के सूरसागर में मंत्री मदन दिलावर यहां पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ताज़ा मामला है कि यहां पर उपद्रव हुआ था, लेकिन उसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आज का दौरा प्रस्तावित है। और यहां जोधपुर में मौजूद है मंत्री मदन दिलावर और राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे ज्यादा अपडेट के लिए। राकेश, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जोधपुर दौरा, अभी कुछ दिन पहले ही ताजा मामला, यहाँ पे उपद्रव हुए थे, विरोध दंगे हुए थे, लेकिन अब इनका दौरा रखा गया और ऐसे में वहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ अपडेट, क्या किस दौरे में खास बात है? जी, अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज जोधपुर दौरे पर है और जोधपुर दौरे पर जब उन्हें ये पता है तो सरकार की ओर से उन्हें ये भी कहा गया कि जिस क्षेत्र में उपद्रव हुआ है वहाँ का अपडेट जो है वो सरकार को बताना है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्वयं जो है सूरसागर क्षेत्र पहुंच चुके हैं। मैं बस बता दूं आपको कि वो इस समय सूरसागर क्षेत्र का ही दौरा कर रहे हैं। जिस महिला के चोट आई थी लाजवंती कवर की, आंख की, आंख पे चोट आई थी, उसके घर इस समय बैठे हैं शिक्षा मंत्री और यहाँ कार्यकर्ताओं से वो पूरा अपडेट ले रहे हैं, पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने बीसीबी से भी इस मामले में बात की और अब उस क्षेत्र में ये पहुंचे हैं जहां आगजनी की घटना हुई थी। एक दुकान को जला दिया गया था, साथ में एक महिला के आंख में चोट आ गई थी। तो उसके लाजवंती कंवर के घर पर इस समय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बैठे हैं और उस पूरी घटना का जो है वो अपडेट ले रहे हैं। पल पल जो घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ, किसका दोष था, क्यों हुआ, इस सबको लेकर लगातार शिक्षा मंत्री जो है पूरा यहाँ अपडेट ले रहे हैं। साथ में उनके पूर्व जो महापौर है राजेंद्र कुमार चौधरी, वो भी उनके साथ हैं और यहाँ के कार्यकर्ता जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्हें पूरा अपडेट बता रहे हैं, किस पक्ष की गलती रही, कैसे रही, क्या होना चाहिए, क्या हुआ था, वो सब तमाम जो घटनाक्रम पिछले शुक्रवार को जो यहाँ हुआ था उसको लेकर अपडेट्स लिया जा रहा है ताकि सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पेश की जाएगी और भविष्य में जो भी इस घटनाक्रम को, ऐसे घटनाक्रम को, क्योंकि सूरसागर में ये पहला घटनाक्रम नहीं है। सूरसागर में अब तक पिछले 4-5 सालों में 4 घटनाएं हो चुकी है। दरअसल में लगातार जो हर साल 2 साल बाद जो है सूरसागर क्षेत्र में जिस तरीके से उपद्रव की घटनाएं होती है, उस उपद्रव को कैसे रोका जा सकता है, परमानेंटली इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उन तमाम पहलुओं पर शिक्षा मंत्री यहाँ अपडेट्स ले रहे हैं और यहाँ से एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भी संभवतः भेजी जाएगी ताकि इस तरीके से जिस सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगाड़ते हैं यहाँ के लोग, उस सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो माहौल खराब करने का जो काम किया जाता है उसको रोकने के लिए क्या कुछ बैकअप किया जा सकता है, क्योंकि भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार इस मामले में काफी संवेदनशील है कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है प्रदेश का नहीं बिगड़े। इन सब तमाम घटनाक्रम को लेकर अपडेट जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी की। तो देखिए यहाँ पर जो उपद्रव हुआ था, विरोध हुआ था, उसका अपडेट लिया जा रहा है और फिर आगे रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिर उसकी वजह क्या थी। और इस महिला को जिसकी आंख पर चोट आई थी, उन्हीं के घर पे फिलहाल मंत्री मौजूद है और राकेश ने तमाम जानकारी पहुंचाई।